ठीक है हनुमान, मैं तुम्हें एक अवसर और दूंगा, किंतु तुम यहां का अनुशासन नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपने समय पर ही आगे आना होगा। मुझ पे कृपा करने के लिए धन्यवाद देव। हनुमान का भय उचित ही है, उसका समय आते आते तो काल स्तंभ पर अंधकार छा जाएगा। देवराज इंद्रपुत्र जन, अब तुम भी आओ। प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम अरुणदेव। क्षमा करें देव, किंतु मैं हनुमान के पश्चात अपनी परीक्षा देना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन गुरुदेव की स्वीकृति मेरे लिए उतनी आवश्यक नहीं है जितनी हनुमान के लिए है। और यदि आज इसे गुरुदेव नहीं मिल पाते हैं तो ये जीवन भर के लिए गुरुविहीन रह जाएगा। प्रणाम देव। क्षमा करें देव, मैं भी हनुमान के बाद परीक्षा दूंगा। क्षमा करें देव, मैं भी हनुमान के बाद परीक्षा दूंगा। पर दुखों को जो है हरते, सबके कष्ट निवारण करते। हनुमत जब स्वयं है याचक, अन्य हुए उनके सहायक। प्राप्त होगा सूर्य का दर्शन, मिला है उनको सबका समर्थन। दूर किया हनुमत अब साध, पाएंगे सब पुण्य प्रसाद। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कोई बचा, रक्षा करो हमारी। रक्षा करो हमारी, कोई बचाओ। अरे कोई है, बचाओ, रक्षा करो हमारी। पकड़ लो उसे, घेर लो चारों ओर से। रुको मत पुत्र, साहस से काम लो। पकड़ लो उसे। देखो तुम्हारे पिताश्री ने बताया था ना, यदि हम एक बार सुमेरु पहुंच गए, महाराज केसरी के छत्र छाया में हम सुरक्षित रहेंगे। चलो शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। पकड़ो सबको, कोई बचकर भागने ना पाए। अरे सुनो बालको, यहाँ से सुमेरु जाने के लिए कौन सा पथ है? चलो मित्रों भागो, भागो 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 भागो। भयभीत होकर इधर उधर मत भागो मित्रों, स्मरण करो हनुमान ने क्या कहा था, विपदा में भय से नहीं धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। हमें इधर उधर भागने के स्थान पर उचित दिशा में दौड़ना चाहिए। मैं एक लघुपथ जानता हूँ जो उस ओर से उन चट्टानों के पीछे वाला लघुपथ ही हमें सुमेरु तक पहुँचाने का सबसे छोटा पथ है। हमें उस पथ पर बढ़ना चाहिए।
इसी ओर आ रहे हैं, सब संकट में पड़ सकते हैं। मुझे कुछ करना होगा। नील, ये क्या कर रहे हो? राक्षसों का सामना करने का अर्थ है स्वयं को मृत्यु के मुंह में झोंक देना। मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, अपने मित्रों की चिंता है। ये मैंने हनुमान से ही सीखा है। ठीक है, जब सभी बालक तुम्हारे लिए अपना समय छोड़ने को तैयार हैं, तो मैं तुम्हें परीक्षा देने का अवसर देता हूं। जयंत भैया, मित्रों, आपने मुझे एक अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा हनुमान। सूर्यदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। तो हनुमान, अब तुम्हारी परीक्षा ली जाए। अवश्य सूर्यदेव। हनुमान, तुम तो अनेक दिव्य वरदानों के स्वामी हो, नवग्रहों को मुक्त कराने जैसा दुरूह कार्य कर चुके हो, फिर तुम मुझे क्यों अपना गुरु बनाना चाहते हो? प्राणेण सूर्या सर्वेषां रोगाणामधिदेवतम् आरोग्यं भास्करादिच्छेदिति प्रख्या श्रुतिः स्मृतिः। हे सूर्यदेव, हम पर कृपा कर, हमारे पुत्र को अपना शिष्य बना लीजिए। हे सूर्यदेव, हमारे पुत्र के गुरु बनकर उसका उद्धार करिए। भले ही मुझे कोई गुरु नहीं प्राप्त हो पाए, किंतु हनुमान भाग्यशाली है जो उसे ज्ञात हो गया कि आप ही उसके योग्य गुरु हैं। सूर्य देव की करते स्तुति, मात पिता की है यही विनती, हनुमत का करें उद्धार, शिष्य रूप में करें स्वीकार। ये गाथा बाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 बाबली हनुमान। शीघ्र उत्तर दो हनुमान, तुम्हारे पास समय बहुत ही अल्प है। लंब मत करो हनुमान। माँ ने बताया था कि किसी का जन्म स्थान कहाँ होगा, उसके माता पिता और गुरुदेव कौन होंगे, सब विधि द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मेरे पूर्व निर्धारित गुरु हैं। और हाँ, आपसे जो ज्ञान प्राप्त हो सकता है वो किसी अन्य से प्राप्त नहीं हो सकता, और ये भी विधि द्वारा पूर्ण निर्धारित है। यदि मुझे आपसे ज्ञान नहीं मिला तो मैं उनसे भी नहीं मिल पाऊंगा जिनसे मिलने के लिए मेरा जन्म हुआ है। नारायण, नारायण, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता, फिर भी आप बार बार उस नर रूपी नारायण के बारे में सोचकर चिंतित रहती है, क्यों माते? चिंता क्यों नहीं होगी मुझे दशानंद? तीनों लोकों पर रक्ष ध्वज लहराने का स्वप्न देखा है मैंने तुमसे, तुम्हारे रूप में इस संसार का भावी सम्राट देखा है मैंने, तुम्हें महाज्ञानी, महाबली और शिव जी का महान भक्त इसलिए बनाया है जिससे कि तुम इस राक्षस कुल को सर्वोच्च शिखर पर ले जाओ। किंतु वो छलिया विष्णु
नर अवतार लेकर कूच चक्र रच रहा है। क्या किया है तुमने उसे मिटाने के लिए? जो मैं कर रहा हूं माते, उसके पश्चात नर रूपी नारायण जहां पर भी छुपा हो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। मेरे रक्ष योद्धा चुन चुन कर इस संसार से बालकों को बंदी बना रहे हैं। गंधमादन, सुषेण, तुम इन्हें लेकर महाराज के पास जाओ, मैं इन्हें देखता हूँ। माँ, आप अनुज को लेकर सुमेरु जाइए, मुझे इन दोनों के साथ इन राक्षसों को रोकना है। हाँ पुत्र, तुम अपना ध्यान रखना, हम बस जाते हैं। हाँ माँ। जब तक हमारे मित्र और बाकी सब दूर ना निकल जाएं, हमें इन राक्षसों को रोक कर रखना होगा। इस प्रकार तो ये बालक हमें आगे बढ़ने नहीं देंगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे मित्र काफी दूर निकल चुके होंगे, अब हमें भी भागना होगा। हाँ चलो 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 भागो। कब तक भागोगे बालक? हम तो यहाँ पर मात्र नर बालक को लेने आए थे, परंतु तुमने उन्हें भगाकर अच्छा नहीं किया। अब हम उसके स्थान पर तुम्हें लेकर जाएंगे और तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अब ये सारा संसार देखेगा कि हम राक्षसों के कार्यों में बाधा डालने का परिणाम क्या होता है। भागो सबको। और मेरे आदेश के अनुसार सारे के सारे बालकों दंडक वन के घने और हिंसक पशुओं से भरे हुए क्षेत्र में एकत्रित किया जा रहा है, जहां असुरों के अतिरिक्त और कोई नहीं पहुंच सकता। उस वन में मेरे समक्ष एक एक बालक को मारा जाएगा, फिर उस नर रूपी नारायण को सामने आना ही पड़ेगा, और तब तब मैं उस नर रूपी नारायण को मृत्यु दंड दूंगा। स्वयं अपने ही हाथों से मृत्यु दंड दूंगा, मार दूंगा मैं उसे। अब उस नर रूपी नारायण को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता माते, कोई नहीं। तो यही उत्तर है तुम्हारा हनुमान? हाँ गुरुदेव, प्रणाम। सूर्यदेव, इतना समय क्यों लगा रहे हैं? आज का दिवस समाप्त होने वाला है। कुंडली के अनुसार हनुमान के पास अब कुछ ही क्षण शेष है। मैंने तुमसे एक प्रश्न किया, तुमने उसके कितने उत्तर दिए हनुमान? पहले गुरु निर्धारित, फिर जो ज्ञान आपसे मिल सकता है किसी अन्य से नहीं, तृतीय उनसे नहीं मिल पाऊंगा जिनके लिए जन्म हुआ है। तीन उत्तर दिए। प्रश्न एक और उत्तर तीन, इसे अति कथन कहते हैं। प्रश्न एक और उत्तर अनेक। कहीं हनुमान ने कुछ अनुचित तो नहीं कह दिया? हनुमान
भगवान को एक प्रश्न का एक ही उत्तर देना चाहिए था। कहीं मैं इसी को हनुमान की भूल मानकर गुरुदेव बनने से मना न कर दे सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र का मनोरथ सफल कीजिए। सूर्य लेंगे अपना निर्णय, व्यथित है हनुमत हृदय, अल्प समय है अब शेष, शीघ्र मिले गुरु संदेश। लगता है मैंने एक प्रश्न के तीन उत्तर देकर भूल कर दी। अब तो सूर्यदेव कदाचित ही मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। सूर्य तो अस्त होने जा रहा है, न जाने क्या हुआ होगा हनुमान का। सूर्यदेव ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया होगा या नहीं। हनुमान जो न्यूनतम संवाद में अपनी बात को पूर्ण कर ले, उसे ही योग्य और बुद्धिमान कहते हैं। मिथ कथन भी एक कला है। एक प्रश्न का एक उत्तर कैसे दिया जाता है, अति संवाद से कैसे बचा जाता है, ये मैं तुम्हें समझाऊं। मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है देव। हाँ हनुमान, नमन, कि आपने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हनुमान, ये तुम्हारे सत्कर्मों का ही फल है कि प्रतिकूल परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुकूल हो गईं। हनुमान को समय रहते गुरु सूर्यदेव की स्वीकृति प्राप्त हो ही गई। जल कलश आओ हनुमान। सूर्य से शिक्षा प्राप्त करेंगे, जन्म प्रयोजन सिद्ध करेंगे। हनुमत का है यह लक्ष्य, खंडित ना हो नियत भविष्य। जगत पर कर अवतार, हनुमत होंगे उनके सहायक, ज्ञान बनेगा पथ प्रदर्शक। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जल से आचमन करो हनुमान।
सूर्यदेव, ये संकल्प तुझ। हाथ आगे करो हनुमान। तत्सत् परमात्मने सच्चिदानंदाय नमो नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा नमन। ज्ञानवान भव, यशस्वी भव, बुद्धिमान भव। अरुण देव के चरणों में मेरा नमन। कीर्तिमान भव, तुम्हारा कल्याण। नारायण नारायण। हनुमान, अंततः सूर्य देव ने आपको अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ही लिया। हनुमान, अभी इसे परीक्षा का अंत मत समझना। परीक्षा तो तुम्हारी अब आरंभ होगी हनुमान। ज्ञान की प्राप्ति एक तपस्या है, साधना है। सर्वप्रथम तो मुझे ये देखना होगा कि तुम कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हो। मेरी शिक्षा तुम्हें 7 दिवस में पूर्ण करनी होगी, अन्यथा ये शिक्षा अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए इस शिक्षा का प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए बहुमूल्य है। एक क्षण के विलंब से भी शिक्षा अपूर्ण रह सकती है। अब मेरे विश्राम का समय हो गया है। कल प्रातःकाल तुम्हारी शिक्षा का श्री गणेश होगा। शिष्य रूप में हुए स्वीकार, हनुमत को हुआ हर्ष अपार। गुरु लेंगे अब कठिन परीक्षा, 7 दिवसों में देंगे शिक्षा। निभाएंगे शिष्य का धर्म, हनुमत करेंगे अथक श्रम। हर पल का रखेंगे ध्यान, तभी मिलेगा संपूर्ण ज्ञान। अरुण देव, अब आप इन बालकों को विश्राम के लिए विश्राम गृह में पहुंचा दें। प्रणाम गुरुदेव। ज्ञानवान भव। प्रणाम देव। माँ, आपके आशीर्वाद से मुझे सूर्य देव ने अपना शिष्य बना लिया है। मैं शीघ्र ही शिक्षा पूर्ण करके आपके पास लौट आऊंगा। आप मेरे लिए तनिक भी चिंतित मत होना माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ। हनुमान, सूर्यास्त हो चुका है, हनुमान अभी तक नहीं लौटा। इसका अर्थ है सूर्यदेव ने हनुमान को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। भगवान करे हनुमान का मनोरथ पूर्ण हो जाए। महाराज, महाराज, महाराज! ये स्त्री भयभीत सी कौन भागी चली आ रही है? महाराज, महाराज! क्या हुआ आपको? कहाँ जाना है? मुझे महाराज केसरी से मिलना है। उनसे आप अभी नहीं मिल सकती। महाराज केसरी अपने परिवार के साथ युवराज हनुमान के लिए सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं। यदि आपको कोई कष्ट है तो मुझे बताइए। क्या हुआ सेनापति?
ये किसी संकट में है क्या? प्रणाम महाराज। महाराज, कुछ असुरों ने मेरे पुत्र का अपहरण कर लिया है। जयंत भैया, मित्रों, यदि आज आप सब मेरी सहायता ना करते तो ना जाने क्या हो जाता। मैं आप सबका सदैव आभारी रहूंगा। हनुमान, हम सब ये परीक्षा कल भी दे सकते हैं। हमारे साथ तो कोई समय का बंधन है नहीं, किंतु तुमने तो संसार के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारा सद्व्यवहार, तुम्हारा भोलापन और तुम्हारी अच्छाइयाँ ऐसी हैं कि सभी तुम्हारी सहायता करेंगे ही। आप सब बहुत अच्छे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हनुमान, वैसे ये तो बताओ कि वो है कौन जिनसे शिक्षा के उपरांत तुम मिलने वाले हो और जिनके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उनके विषय में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। हाँ, मैं अपने भावी जीवन में उनके किसी कार्य में सहायक होने वाला हूँ, बस इतना ही ज्ञात है मुझे। फिर तो अवश्य ही कोई महान कार्य करना होगा तुम्हें। कार्य तो महान होगा ही, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो भी होंगे वो भी कोई विशिष्ट ही होंगे। भला होंगे कौन वो? जन्म किनसे मिलने के लिए हुआ है? क्या कार्य करना है मुझे उनके सहायक के रूप में? मुझे किनकी कार्य में सहायता करनी है? नारायण का नरवता। जो भी हो, जहां भी छुप कर पल रहा हो वो छलिया छलिया विष्णु, मेरा कोई आहित नहीं कर सकता। बोलो, क्या सूचना लेकर आए हो मेरे रक्ष वीर? महाबली लंकेश, आपके आदेशानुसार हमने अनेक बालकों का अपहरण कर लिया है। उन सबको हमने धूम्र पर्वत के अंचल में जो दंडक वन है वहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। उत्तम, और बालकों को लेकर आओ। संपूर्ण पृथ्वी से नर बालकों को विहीन कर दो। ऐसा ही हो रहा है महाबली। वज्रासुर सुमेरु की ओर गया है और वो सुमेरु और अन्य स्थानों से अनेक बालकों का अपहरण करके वो दंडक वन में ले आएगा। अति उत्तम, अब ना ही कोई नर बालक बचेगा और ना ही उस नर बालक के रूप में छुपा नारायण का नर अवतार। शीघ्र ही सूर्यास्त हो जाएगा उसके जीवन का। महाराज, 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 मेरे पुत्र को बचा लीजिए महाराज। मेरे पुत्र नल और नील को असुरों ने वन में पकड़ लिया है महाराज। हाँ महाराज, मायावी राक्षस थे। नल और नील ने हम सबको तो बचा लिया, पर वे स्वयं ही फंस गए महाराज। महाराज, आप तो राजा हैं, इस प्रजा की रक्षा भी आप ही कर सकते हैं। शीघ्र कुछ नहीं किया गया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। ये तो बहुत बुरा हुआ। किस ओर गए हैं वो लोग? महाराज, वो धूम्र पर्वत की ओर गए हैं। धूम्र पर्वत की ओर? महाराज, धूम्र पर्वत का क्षेत्र तो दंडक वन से घिरा हुआ है। हिंसक पशुओं और असुरों के आतंक के कारण वहाँ कोई नहीं जाता। अब मेरे पुत्र का क्या होगा महाराज? आप लोग चिंता मत करिए, आपके बालक जहां भी होंगे मैं उन्हें सुरक्षित लाऊंगा। सेनापति, शीघ्र ही अन्य सैनिकों को बुलाइए, हम अभी उस ओर निकलेंगे। यदि वो राक्षस धूम्र पर्वत के पार उस घोर वन में निकल गए तो उन्हें पकड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज। जब तक आपके बालक सकुशल लौट नहीं आते तब तक आप भवन में ही रहेंगे।
आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप शीघ्र जाइए और उन बालकों को मुक्त कराइए। शीघ्र चलो सेनापति। जी महाराज। तभी बालक सकुशल लौट आए। न जाने हनुमान के साथ क्या हो रहा होगा। हे ईश्वर, सबकी रक्षा कर। रात व्यतीत हो गई, उषा काल हो आया है। कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला है। ना तो स्वामी की कोई सूचना आई है और ना ही हनुमान के बारे में कुछ ज्ञात हो पाया है। हनुमान, आज से तुम्हारी शिक्षा आरंभ हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। मेरी भी, मेरी भी। हम सबके शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं हनुमान। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जयंत भैया, मित्रों, अभी प्रातः काल नहीं हुई है। काल स्तंभ पे अभी प्रकाश नहीं आया है। कुछ ही क्षणों में गुरुदेव निकलने वाले हैं। मुझे उनसे शिक्षा ग्रहण करने समय पर पहुंचना होगा। प्रणाम गुरु माता। हनुमान, ये गुरु माता हैं। आपके चरणों में मेरा नमन। तो तुम हो वो दिव्य बालक हनुमान। सत्य ही सुना था, अनुपम है तुम्हारी छवि, जिसके दर्शन मात्र से ही सुख और शांति की अनुभूति होती है। तुम्हारे पराक्रम की चर्चा तो पूरे ब्रह्मांड में हो रही है हनुमान। धन्यवाद गुरु माता, मुझे शीघ्र ही गुरुदेव के पास पहुंचना है। मुझे अनुमति दे। अवश्य हनुमान, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम देव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, सूर्यदेव जैसे गुरुवर सबको प्राप्त नहीं होते। तुम्हारी शिक्षा का आज प्रथम दिवस है, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए चला आया पुत्र। धन्यवाद देवर्षि। देवर्षि, गुरुदेव ने आज प्रातः से ही मुझे शिक्षा देने के लिए बुलाया है, इसीलिए मैं समय से पूर्व ही निकल रहा हूँ। अन्यथा किसी कारण से मुझे विलंब ना हो जाए। उषा काल तो प्रारंभ हो चुका है, अर्थात कुछ ही क्षणों में स्वामी निकलने वाले हैं। हनुमान, स्वामी ब्रह्म बेला में निद्रा का त्याग कर देते हैं और उषा काल में अपने रथ की ओर निकल पड़ते हैं, और उनके रथ पर बैठते ही प्रातः काल हो जाता है। पुत्र, तुम्हें उनके रथ पर चढ़ने से पूर्व ही वहां पहुंचना चाहिए, इसलिए शीघ्र जाओ पुत्र। देवी संध्या का कथन सत्य है।
सूर्यदेव अपने समय के नियम का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। वे कभी भी अपने निर्धारित समय से नहीं दिखते। तुम शीघ्र जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। नारायण नारायण। मुझे तो इन सब की बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। प्रातः तो होने ही वाली है। प्रणाम गुरु माता। शुभम भवा। ओम सूर्य देवाय नमः। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र हनुमान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मेरे स्वामी की रक्षा करना। आज प्रथम दिवस है, एक क्षण का भी विलंब मेरे लिए अनुचित है। सूर्य प्रकाश नभ में छाया, नव दिवस प्रारंभ हो आया। एकाग्रता से करते प्रयास, शीघ्र पहुँचे गुरु के पास। चिंतित हुआ हनुमत का मन, विलंब से ना हो अप्रसन्न। गुरुवर यदि होंगे क्रोध, शिक्षा प्राप्ति होगी अवरोध। काल स्तंभ पर तो प्रकाश आ गया है, अर्थात प्रातः काल हो गई है। मुझे विलंब हो गया, ना जाने क्या होगा अब। यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे विलंब हो चुका है। गुरुदेव का रथ तो निकल चुका है, अब तो गुरुदेव अवश्य मुझ पर क्रोधित होंगे। प्रणाम गुरुदेव। शुभाशीष हनुमान, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी शिक्षा प्रातःकाल होते ही आरंभ हो जाएगी। मैं जब रथ पर बैठता हूं तो प्रातःकाल हो जाता है, फिर भी तुमने विलंब कर दिया। विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उपस्थित हो ही जाता, किंतु। हनुमान, समय किसी के लिए ठहरता नहीं, और जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता। प्रणाम गुरुदेव। शुभाशीष हनुमान, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी शिक्षा प्रातःकाल होते ही आरंभ हो जाएगी। मैं जब रथ पर बैठता हूं तो प्रातःकाल हो जाता है, फिर भी तुमने विलंब कर दिया। विलंब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं उपस्थित हो ही जाता, किंतु। हनुमान, समय किसी के लिए ठहरता नहीं, और जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसका सम्मान नहीं करता।
तुम्हारा प्रथम कर्तव्य था शिक्षा के लिए सही समय पर उपस्थित होना। उचित समय पर उचित कार्य किया जाए तभी सफलता प्राप्त होती है हनुमान। गवाया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जीवन भी एक निश्चित समय के लिए मिलता है, इसलिए समय नष्ट करने का अर्थ जीवन को नष्ट करना है। समय का महत्व समझो हनुमान। सूर्यदेव श्रेष्ठतम कर्म योगी हैं। सूर्यदेव कर्म ही जिनका धर्म है, नियत समय पर निर्धारित कर्म। समय के नियम का कठोरता से पालन करते हैं सूर्यदेव। नियत समय पर निकलना, नियत समय पर विश्राम के लिए जाना, उनके इसी कर्म से संसार सुचारू रूप से ऊर्जावान एवं चलायमान रहता है। सूर्य देव के निकलने से पूर्व की प्रातः वेला ब्रह्म मुहूर्त कहलाती है। यही समय शिक्षा ग्रहण करने एवं साधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। छात्र हनुमान हो या कोई अन्य छात्र, सबके लिए सर्वश्रेष्ठ और लाभकारी होती है ये प्रातः बेला। मैं समझ गया गुरुदेव, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि पुनः ऐसी भूल कभी नहीं होगी। ये तुम्हारे लिए प्रथम सीख थी हनुमान। मैं आपकी ये सीख सदैव स्मरण रखूंगा गुरुदेव। हनुमान, मेरी गति समय के साथ साथ निरंतर चलायमान रहती है, ये रुक नहीं सकती। अतः मुझसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें निरंतर मेरे सामने बना रहना होगा। सामने बने रहना होगा, ये कैसे होगा? गुरुदेव का रथ तो निरंतर चलायमान रहता है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। उनका ध्यान ढूंढ रहे समस्या समाधान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गति में रथ के सम्मुख बने रहना तो बहुत ही कठिन है। क्या करूं मैं? शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरा रथ के आगे बने रहना आवश्यक है। शीघ्रता करो, इस प्रकार तो तुम्हारी शिक्षा का बहुमूल्य समय नष्ट हो जाएगा। जब तक तुम रथ के सम्मुख नहीं होगे तुम्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर पाऊंगा मैं हनुमान। मुझे गुरुदेव के सम्मुख बने रहने के लिए रथ के सामने उल्टे चलना होगा, अन्यथा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ। गुरुदेव, अब मैं आपके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ूंगा। प्रणाम। विपरीत दिशा में हुए गतिमान, युक्ति अपनाते हनुमान। भंग ना हो उनका ध्यान, ढूंढ रहे समस्या समाधान।
है दाता महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या कर रहे हो हनुमान? पीछे से आने वाले उल्का पिंडों से कैसे बचोगे? क्षण की घटना तुम्हारे लिए सीख है पुत्र, पुनः प्रयास करो। निरंतर प्रयास करने से बड़ी कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। कठिनाई तो बहुत बड़ी है, समान गति से भी गुरुदेव की ओर उन्मुख होकर चलता हूँ तो पीछे नहीं देख पाऊंगा। इन उल्का पिंडों के टकराने से पुनः ध्यान भंग होगा, क्या करूं मैं? कोई तो हल ढूंढना होगा। शीघ्र आओ, बस हम पहुंचने ही वाले हैं धूम्र पर्वत की तलहटी पर। यह है धूम्र पर्वत, यहाँ सबको अधिक सावधान और सतर्क रहना होगा। यहाँ से असुरों का क्षेत्र आरंभ होता है। इस क्षेत्र में असुरों की मायावी शक्ति में वृद्धि हो जाती है। के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित कर रहे हैं। यदि अरुण देव के दिशा परिवर्तन के साथ मैं भी सामंजस्य बिठा लूं तो कठिनाई से पार पा सकता हूं। उत्तम हनुमान, ये आपके आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है गुरुदेव, आपको नमन। अब आप शिक्षा देना आरंभ कर सकते हैं देव। हनुमान, मेरे वचन के अनुसार तो तुम्हारी शिक्षा का श्री गणेश प्रातः काल से ही हो गया है। अभी तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो एक सीख है तुम्हारे लिए, इसे सदैव स्मरण रखना। गुरुदेव, विलक्षण ज्ञान है ये तो। मैं आपकी सिखाई गई एक एक सीख को ध्यान में रखूंगा। सूर्य देव की समस्त शिक्षा, समस्त ज्ञान हनुमान को उसी समय प्राप्त हो गया था जिस समय हनुमान ने सूर्य देव को एक आकाश फल समझकर मुंह में रख लिया था। किंतु वो ज्ञान सुप्त अवस्था में था जिसका आभास स्वयं हनुमान को भी नहीं है। सूर्य देव उसी ज्ञान को जागृत कर रहे हैं, हनुमान को भविष्य में होने वाले जिन कार्यों के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता है
उन कार्यों के लिए और भी अधिक विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ये राक्षस छिपे कहां है? पूर्ण सहजता से आगे बढ़ना होगा, हमें उन असुरों से पालकों को मुक्त कराना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है महाराज, इस घने और तंडक वन में बालकों को ढूंढ निकालना। हर एक बालक की सुरक्षा के लिए ऐसी सैकड़ों चुनौतियां स्वीकार है मुझे, पूर्ण रूप से सजग होकर आगे बढ़ना होगा। वो रहे राक्षस, बस वहीं रुक जाओ राक्षसो। वज्रासुर के मार्ग में आने का प्रयास मत करो वानर नरेश। वज्रासुर, मेरे राज्य की सीमा तो क्या, मैं कहीं भी तुम्हें अत्याचार नहीं करने दूंगा। मेरे बालकों को मुझे सौंप दो और चले जाओ यहाँ से। इन वानर बालकों से हमारी कोई शत्रुता नहीं थी, हमें तो केवल नर बालकों को पकड़ने का आदेश दिया गया था, किंतु इन तीनों बालकों ने उन नर बालकों को भगाकर हमारे कार्य को अवरुद्ध किया है। इसका दंड इन्हें भुगतना होगा। तुम भी हमारे मार्ग में बाधक बन रहे हो, चले जाओ यहाँ से, अन्यथा संपूर्ण वानर कुल को मिटा देंगे हम। ले चलो यहाँ। वानर कुल को मिटा सके इतना बल नहीं है किसी राक्षस में। मान, इससे पूर्व कि मैं तुम्हें कुछ ज्ञान और सीख दूं, तुम्हें अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करना होगा। वो मैं कैसे करूँगा गुरुदेव? अवश्य गुरुदेव। अपने दोनों हाथ आगे करो हनुमान। जैसी आपकी आज्ञा। ये लो जल से भरा पात्र। हनुमान, इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है, और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्कापिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी और उनकी संख्या मुझे बतानी। अवश्य गुरुदेव, ये तो बहुत ही सरल है। किंतु तुम्हें ये ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। इस कार्य की सफलता ही तुम्हारी आगे की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगी। जाओ, अब परिक्रमा लगा कर आओ। अवश्य गुरुदेव, प्रणाम। देव, ये कैसी शिक्षा? शिष्य को तो गुरु के सानिध्य में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किंतु आपने तो स्वयं से दूर उसे उल्का पिंडों की गणना करने के लिए भेज दिया। अरुण देव, हनुमान की आज की सीख ही उसे पूर्ण हनुमान बनने में सहायक सिद्ध होगी। साधारणतः मनुष्य
कोई विशेष कार्य करता है उसका चित्र मात्र उसी पर एकाग्र रहता है, किंतु हनुमान को तो भविष्य में अनेक विशिष्ट कार्य करने हैं जिसके लिए उसे अपने चित्त को एक ही समय में अनेक दिशाओं की ओर विभाजित करके पूर्ण सतर्कता एवं एकाग्रता के साथ अपने कार्य करने होंगे। धैर्य, लगन और एकाग्रता का अभ्यास है ये आज की सीख। किंतु देव, ये तो हनुमान जैसे छोटे बालक के लिए बहुत कठिन सीख है। यदि वो उसमें असफल हो गया तो? यदि हनुमान असफल हो गया तो उनसे नहीं मिल पाएगा जिनसे मिलने के लिए हनुमान का जन्म हुआ है। शिष्य को तो गुरु के सानिध्य में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देव, ये कैसी शिक्षा? अरुण देव, हनुमान की आज की सीख ही उसे पूर्ण हनुमान बनने में सहायक सिद्ध होगी। धैर्य, लगन और एकाग्रता का अभ्यास है ये आज की सीख। किंतु देव, ये तो हनुमान जैसे छोटे बालक के लिए बहुत कठिन सीख है। यदि वो उसमें असफल हो गया तो? यदि हनुमान असफल हो गया तो उनसे नहीं मिल पाएगा जिनसे मिलने के लिए हनुमान का जन्म हुआ है। ये नौवां, ये दसवां। संभालना है। मुझे ये कार्य सरल लग रहा था, किंतु ये तो अभी आरंभ हुआ है। संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा तो अभी शेष है, किंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुनौती है ये मेरे लिए। और मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। पाए चुनौती पर विजय, अस्वीकार है उन्हें पराजय। गुरु के प्रति निभाते निष्ठा, सृष्टि परिक्रमा की करते चेष्टा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली।